नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। देश के सबसे बड़ा उद्योगपति मुकेश अंबानी इन दिनों संकट में है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड की टेलीफोन सामान बनाने वाली कंपनी एरिक्सन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दी गई है कि जब तक रिलायंस के अनिल अंबानी उसका पैसा नहीं चुका देते तब तक उन्हें जेल में रखा जाए। जी हाँ, इस पूरी मांग के बाद अब अनिल अंबानी के जेल जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। एरिक्सन के एडवोकेट द्वारा अदालत में यह बयान दिया गया कि कंपनी को अंबानी से 550 करोड़ रुपए वसूलना है, लेकिन वे दे नहीं रहे। इधर अनिल अंबानी की तरफ से अदालत में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के कारण एरिक्सन और दूसरी कंपनियों का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। एरिक्सन के वकील ने यह भी कहा है कि अंबानी की विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई जाए, और वैसे भी अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में 550 करोड़ रुपए जमा करने की गारंटी खुद ले रखी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी, लेकिन इसके पहले यह बात चर्चा में है कि रिलायंस एरिक्सन का पैसा आज तक नहीं चुकाया है। 30 सितंबर को समय पूरा होने के बावजूद पैसा नहीं मिला है, और तभी सुप्रीम कोर्ट में एरिक्सन द्वारा याचिका लगाई गई। इसके पहले अदालत ने यह कहा था कि 15 दिसंबर तक अंबानी एरिक्सन का पैसा चुका दे, लेकिन अंबानी ने इसमें वादाखिलाफी की। अब एरिक्सन का यह कहना है कि सूद सहित बकाया उन्हें मिलना चाहिए, और उनके वकील ने यह भी कहा है कि अदालत के पिछले आदेश में साफ कहा गया था कि गारंटी अनिल अंबानी ने ली है, पैसा उन्हें ही चुकाना है। एरिक्सन को इसके पहले अंबानी की कंपनी से 1600 करोड़ रुपए वसूल करना था, लेकिन कुछ पैसा चुका दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रहा है। अंबानी के खिलाफ याचिका दायर होने की खबर मिलते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे राफेल से जोड़ दिया। उन्होंने यह ट्वीट किया, भ्रष्टाचार का एक और मामला, अंतर्राष्ट्रीय कर्जखोर अनिल अंबानी को राफेल का ठेका देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जाँच की जानी चाहिए।